Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. Hey children, in previous classes we discussed about plants, our green friends, chapter number 3. Today we continue our same chapter, plants, our green friends. Today's topic is other food item. Before it, let's memorize about previous term. So children, हमने पढ़ा था प्लांट्स गिव्स अस फूड, प्लांट्स हमें फूड देते हैं और प्लांट्स के हर पार्ट्स के हम फूड के फॉर्म में खाते हैं. लाइक रूट, तो हम रूट में क्या खाते हैं, जैसे टर्निप, कैरेट, बीट रूट. एंड इन स्टेम वी ईट लीक, पोटैटोज, जिंजर, सुगर केन. फिर हमने लीव्स के बारे में पढ़ा था, लीव्स के फॉर्म में हम कौन से फूड खाते हैं, जैसे स्पाइनेक, कैबेज, मिंट, कोरिएंडर, ये इन सब की लीव्स खाते हैं. फिर फ्लावर भी पढ़ा था हमने, फ्लावर में हम क्या खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर खाना है तो हमें वो उसका फ्लावर खाते हैं. ब्रोकली का भी हम फ्लावर पार्ट खाते हैं. फिर वेजिटेबल्स, बहुत सारे प्लांट्स के हम फ्रूट्स होते हैं उन्हें हम वेजिटेबल के फॉर्म में खाते हैं, जैसे ब्रिंजल हो गया, टमाटो हो गया, पम्पकिन हो गया, और बनाना तो फ्रूट होता ही है. ऑलराइट चिल्ड्रन, अब हम पढ़ेंगे अदर फूड आइटम्स, बाकी के फूड आइटम्स क्या होते हैं. लेट्स बिगिन. सीड्स, वी ऑल्सो ईट ग्रेन्स एंड सीड्स ऑफ सम प्लांट्स. तो हम ग्रेन के फॉर्म में क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के सीड भी खाते हैं, जैसे वीट. अब वीट में क्या होता है, उसके ग्रेन ही तो होते हैं और वो उसके जो ग्रेन होते हैं वो सीड होते हैं, तो हम इनके सीड खाते हैं. मेज यानी मक्का, तो ये भी हम इनके सीड खाते हैं. फिर है फ्रेंच बीन्स, जो फ्रेंच बीन्स होती हैं उनके अंदर भी सीड्स होते हैं, इनके हम दाल फॉर्म में भी खाते हैं, इनको पल्सेस फॉर्म में, है ना. पीस, पीस में जो ये जो ग्रेन्स होते हैं तो ये भी इनके सीड होते हैं, हम ये भी खाते हैं. देन नट्स, वी ईट नट्स ऑल्सो, हम नट्स भी खाते हैं. दे आर एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स, क्या होते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, है ना. विद अ वेरी हार्ड शेल, हार्ड शेल का मतलब होता है इनके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड कवर लगा होता है, जो इसका हार्ड शेल होता है, और इसके अंदर एक क्या निकलता है, नट निकलता है जिसे हम खाते हैं, जो कि बड़ा सॉफ्ट भी होता है, खाने में टेस्टी भी लगता है ना. दे गिव्स अस एनर्जी, इनसे हमें एनर्जी मिलती है, तो सभी बच्चों को ये खाना चाहिए. ऑलमंड्स, इनसे हमारा ब्रेन भी अच्छा होता है तो आपको ऑलमंड्स भी खाने हैं. वॉलनट, वॉलनट से भी हमारा माइंड बहुत डेवलप होता है, देखते हो ना आप, ये वॉलनट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये हमारे माइंड के जैसा ही होता है, इसीलिए इससे माइंड डेवलप होता है हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग, तो आपको ये खाना चाहिए. फिर कैश्यू नट और पिस्तास. नेक्स्ट स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब होता है बच्चों मसाले. वी ऑल्सो ऑब्टेन स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स, तो हम प्लांट से बहुत सारी स्पाइसेस भी ऑब्टेन करते हैं, मिलते हैं हमें उनसे, जैसे पेपर्स, या इन्हें हम ब्लैक पेपर्स भी कहते हैं. टर्मरिक जिसे हल्दी कहते हैं, रेड चिली, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा. तो ये जो पेपर्स होते हैं या फिर जितने भी हमारे स्पाइसेस होते हैं, ये भी बहुत अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए भी, और इनसे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. ऑलराइट, स्पाइसेस गिव फ्लेवर टू आर फूड, इन स्पाइसेस से हमारे फूड में फ्लेवर मिलता है, यानी बहुत ही अच्छा अरोमा आने लगता है, एक खुशबू आती है. फ्रूट्स, वी गेट मैनी फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स, और प्लांट से हमें बहुत टाइप के फ्रूट्स भी मिलते हैं. वी समटाइम्स ड्रिंक जूसेस ऑफ दीज फ्रूट्स, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, इन फ्रूट से जूस बनाकर भी पीते हैं, लाइक मैंगो शेक, एप्पल शेक, लीची, पियर, तो ये सारे आप लोगों को भी पसंद होंगे ना, और इनके जूस भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं. ऑलराइट, प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस, प्लांट्स हमें इसके अलावा और क्या देते हैं. यस, मेडिसिन, मेडिसिन मतलब दवाइयाँ. तो बच्चों, मैनी ऑफ द प्लांट्स आर मेडिसिनल प्लांट,
बहुत टाइप के जो प्लांट होते हैं वो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, यानी इनसे हमें दवाइयाँ मिलती हैं। दे प्रोवाइड अस आयुर्वेदिक मेडिसिंस, तो इनसे हमें आयुर्वेदिक मेडिसिंस मिलती हैं, यानी प्लांट से जो डायरेक्ट हम दवाई लेते हैं उसे हम बोलते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन। सिंकोना लीव्स आर यूज फॉर क्यूरिंग मलेरिया, तो जो सिंकोना के पत्तियाँ होती हैं उनसे मलेरिया जैसी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। नीम लीव्स एंड इट्स बार्क आर यूज फॉर स्किन डिसीजेस, तो जो नीम होते हैं उनके पत्तियों से जो भी स्किन डिसीजेज होते हैं, यानी हमारी त्वचा से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, तो उसे हम उसकी बाग से भी उसे ठीक कर सकते हैं। बाग मतलब होता है बच्चों छाल। तुलसी इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड एंड कफ, तो जिनको कोल्ड हो जाता है या फिर कफ होता है, उनको खांसी जब आती है तो फिर उन्हें हम तुलसी अगर दे दें तो उससे भी उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। दिस इज सिंकोना, दिस इज नीम, दिस इज तुलसी प्लांट। ओके चिल्ड्रन, नाउ मूव टू एक्सरसाइज। सो चिल्ड्रन, प्रीवियस क्लास में हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन कर लिए थे होमवर्क में, आज हम करेंगे फ्लब्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स, तो इसमें से आपको सर्च करके लिखना है, तो क्या लिखोगे? प्लांट्स। सेकेंड है, वी डैश डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो हम क्या करते हैं? ईट करते हैं, तो हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को ईट करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ईट। थर्ड है, सिंकोना लीव्स आर यूज्ड फॉर क्यूरिंग मलेरिया, अभी हमने रीड किया था राइट, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर फोर, वी डेकोरेट आर होम्स विद फ्लावर्स एंड लीव्स, तो जब हमें अपना घर सजाना होता है तो हम फूल और पत्तियां लेकर आते हैं ना, उनसे अपना घर भी डेकोरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, स्पाइसेस गिव्स डैश टू आर फूड, तो स्पाइसेस हमारे फूड में क्या देते हैं? फ्लेवर देते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर सिक्स, रबर इज मेड फ्रॉम द वाइट मिल्क ऑफ द रबर ट्री, तो रबर हमें किससे मिलता है? ये हमें रबर ट्री के वाइट मिल्क से मिलता है। ओके चिल्ड्रन, सो अभी आपको होमवर्क में इतना वर्क करना है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पोर्शन करेंगे चैप्टर का। ऑलराइट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।